बिहार के मुख्यमंत्री की योजनाओं में पलीता लगाने में नीतीश कुमार के अधिकारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार बिहार को चमकाने में लगे हैं, लेकिन इनके ही अधिकारी नीतीश कुमार के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। ताजा मामला मुख्यमंत्री दर्शन योजना से जुड़ा है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूली बच्चों को बिहार की जगहों पर घुमाने का प्रावधान है, लेकिन इस सरकारी योजना का अधिकारियों ने पटना में माखौल उड़ाकर रख दिया। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण कोटवा प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मच्छरगावा के बच्चों को मुख्यमंत्री दर्शन योजना के तहत पटना घुमाने लाया गया था। चिड़ियाघर के बाहर ही बच्चों को जमीन पर सुलाया गया। मुख्यमंत्री दर्शन योजना के तहत पटना घूमने आए इन बच्चों को अन्य जगहों के अलावा चिड़ियाघर भी घुमाया गया। सीएम की इस योजना का और कहीं की बात छोड़िए, पटना में बद इंतजामी का हाल देखिए कि चिड़ियाघर के घुमाने के बाद इन बच्चों को चिड़ियाघर के बाहर ही रात भर सड़क पर सुला दिया गया। बताया जाता है कि बस खराब होने की वजह से इन बच्चों को सड़क पर ही रात बितानी पड़ी। ये बच्चे रात भर सड़क पर सोते रहे, लेकिन पटना के पूरे प्रशासनिक अमले को इस बात की भनक तक नहीं लगी। बच्चे रात भर जैसे तैसे चिड़ियाघर के बाहर जमीन पर सोते रहे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। आपको बता दें कि चिड़ियाघर के पास ही बिहार के मुखिया समेत उनके मंत्रियों का भी निवास है, लेकिन इन बच्चों की इस दयनीय स्थिति की किसी को कानोकान खबर तक नहीं लगी। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।